पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा की ओर से महिला मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग चलाया गया। प्रशिक्षण वर्ग में महिला टीम को चुनाव जीतने का गुरु मंत्र दिया गया। महिला मोर्चे के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे वक्ताओं ने भी विभिन्न विषयों पर महिलाओं को जानकारी दी, साथ ही भाजपा के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ने किया। प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीडिया प्रभारी अनीता चौहान ने किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के वैचारिक स्तर और स्मरण को बढ़ाने, सामाजिक राजनीतिक स्तर पर जानकारी प्रदान करने और जरूरी कौशल को बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। भाजपा महिला मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंची भाजपा महिला मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीडिया प्रभारी अनीता चौहान ने भाजपा की स्वर्णिम विकास यात्रा पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा देश के सभी वर्गों और पंथों की विचारधारा का सम्मान करते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखी। भाजपा का मूल चिंतन राष्ट्रवाद से प्रेरित है और बहुसंख्यक उद्देश्य अल्पसंख्यक दोनों वर्गों के हितों की रक्षा करना भी प्राथमिकता में शामिल रहता है। क्या दिया? इंदिरा जी, नेहरू जी, सोनिया जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये एक ही परिवार की सत्ता चले आई। क्या ये देश उनकी बपौती था? नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया 70 सालों में? इस देश को दीमक की तरह खा गई। हमारे देश को जो तरक्की की राह पकड़नी चाहिए थी, वो तरक्की की राह मेरे देश में नहीं पकड़ी। बहुत सारी परिस्थितियों से ये देश जूझता रहा। हम लोग निरंतर विपक्ष में रहे, हम लोगों ने देश की जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, जनसंघ का निर्माण हुआ, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और अटल जी के शब्दों में अंधेरा छटा, तिमिर हटा और नया कमल खिला, सूरज बना, सूरज चमका और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इस नए युग की जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कुछ सपने देखे। कुछ सपने देखे वो किसके लिए देखे? आपके और हमारे लिए देखे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए देखे, हमारे बच्चों के लिए देखे, उन युवाओं के लिए देखे जो भगत सिंह की आंखों में थे, विवेकानंद की आंखों में थे, सरदार पटेल की आंखों में थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए अटल जी ने, अडवाणी जी ने इस देश की, इस पार्टी की कमान संभाली। क्या कार्यक्रम कराया गया है यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। हम अपने कार्यकर्ताओं को, यानी कार्यकर्ता बहनों जो हमारी राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा कि राजनीति का उद्देश्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी और देश को आगे ले जाने वाली, पुनः भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से आवश्यक है। ये जो प्रशिक्षण वर्ग आज किया गया है, इसमें किन किन चीज़ों पे क्या कहते हैं बताया गया है महिलाओं को? एक प्रशिक्षण वर्ग में हमारे 4 सत्र हैं। जो पहला सत्र है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, और दूसरे सत्र में हमारे महिलाओं की राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी क्या है, उनकी भूमिका क्या है, कैसे वो राष्ट्र को आगे ले जा सकती है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, इस विषय पर बोला। 2 सत्र हमारे अब लंच के बाद होंगे, वो विषय तभी पता चल पाएंगे। जब प्रशिक्षण होता है उसमें जो भी सत्र होते हैं कि आगे किस तरह से कार्य करना है और महिलाओं की क्या भागीदारी रहेगी, किस तरह से समाज में कार्य करते हो हम अग्रिम पंक्ति में आ सकते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है, महिला मोर्चा को सशक्त करने की ज़रूरत है, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। आज क्या विशेष रहा आपके उद्बोधन में और किस तरह से आपने जो महिलाएं हैं उनको चुना? मेरा महिलाओं को लेके ही, उनके सशक्तिकरण को लेके ही मेरा आज का सत्र था, यही विषय था, और उन्हें कैसे और मजबूती दे सकते हैं, और तब हम समाज में कार्य करते हैं अपना व्यक्तिगत भी देखते हुए, क्योंकि महिलाएं तो वही ताकत है जो अपना परिवार और समाज को इकट्ठे चलते हुए देखती है और कार्य करती है। किस तरह की आवश्यकताएं हैं अभी परिवर्तन की? कुछ आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही दिया है हमारे माननीय मोदी जी ने, उनके लिए इतनी सारी योजनाएं चला के महिलाओं को वैसे ही बहुत सशक्त कर दिया है अब तो, और शिक्षा में तो हम शिक्षित पहले से ही हैं काफ़ी, बाकी जो है उनके लिए व्यवस्था करी हैं, योजनाएं आई हैं, उसके साथ में सहारा लेते हुए
हम सब कार्य कर ही रहे हैं और जो आवागमन हमारा और इजी हो सके उसके लिए भी अभी कार्य करने की ज़रूरत है। लगता है कि अभी और परिवर्तन की आवश्यकता है, कहीं कमी थोड़ा बहुत तो है। किस तरह की कमी मान रहे हैं? देखिए अभी ना उनकी समझ को, जब कहते हैं ना कि एक ही चीज़ अगर बार बार को इम्पैक्ट करी जाए तो वो लॉन्ग टर्म पे कहीं ना कहीं असर करती है। जो पहले की धारणाएं चली आ रही हैं अब सिर्फ उनकी धारणाएं बदलने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है और औरों को भी समझाने की ज़रूरत है कि अब हमें समाज ऐसा मिला है और माहौल ऐसा मिला है जिसमें महिलाएं भी निकल के कार्य कर सकती हैं। तो ये उनकी सिर्फ मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, बाकी कार्य तो हमारी भाजपा की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने कर ही दिया है।